सासाराम लोकसभा क्षेत्र पूरे देश में पूर्व से ही काफी चर्चित रहा है। आज तक सासाराम संसदीय क्षेत्र का इतिहास रहा है कि यहां से जो सांसद चुना गया है उसी पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है। इस लोकसभा क्षेत्र से लगातार 7 बार जगजीवन राम व उनकी पुत्री मीरा कुमार ने 2 बार चुनाव जीतकर लोकसभा अध्यक्ष के पद पर ये आसीन हुए। इस कारण भी सासाराम संसदीय क्षेत्र की अपने आप में एक अलग पहचान है। लेकिन 17वीं लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों का समीकरण कुछ अलग ही दिख रहा है। यहाँ हो रहे लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी लड़ाई को त्रिकोणात्मक करने में जुटी है। मतदाताओं का रुझान किस ओर है इसका अंदाजा प्रत्याशियों को भी नहीं लग पा रहा है, क्योंकि मतदाता बिना कुछ कहे अपना मन बना चुके हैं कि उन्हें वोट कहाँ देना है। लेकिन बीते दिनों राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशियों द्वारा आयोजित की गई जनसभा पर गौर किया जाए तो बसपा भी किसी से कम नहीं है। कांग्रेस की तरफ से तो स्वयं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष व सासाराम संसदीय क्षेत्र की प्रत्याशी मीरा कुमार चुनावी मैदान में प्रचार कर रही हैं। उनके साथ भी बाबू जगजीवन राम के साथ रहे लोगों के अलावा कुछ कैडर वोट है, जिससे वह चुनावी मैदान में अच्छी दावेदारी कर रही है। यदि बात भाजपा के प्रत्याशी छेदी पासवान की करें तो जिला मुख्यालय भभुआ सहित अब मोहनिया में भी जनसभा हो चुकी है, लेकिन उसमें मोहनिया में राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम स्थगित हुआ है, जिसका प्रभाव यहां के मतदाताओं पर जरूर हुआ है। इसकी पूर्ति करना छेदी पासवान के लिए मुश्किल भरा काम है। यहां के मतदाताओं का रुझान जनसभा के स्थगित होने के बाद बदला नजर आ रहा है। हालांकि सासाराम में पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा में आकर भाजपा को मजबूती दी है, लेकिन कुछ स्थानों पर मतदाताओं का मूड पूरी तरह से बदला नजर आ रहा है। पूर्व के कार्यों का आकलन करते हुए मतदाता तुलनात्मक अध्ययन भी कर रहे हैं। भाजपा व कांग्रेस को छोड़ यदि बसपा की बात किया जाए तो इस पार्टी के वोट का बहुत कम हिस्सा ही किसी दूसरे को मिल पाता है। यह अलग बात है कि अंतिम समय में इनके मतों का कई जगह विभाजन हो जाता है। इसको समेट कर रखना भी बसपा के लिए नामुमकिन दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर सासाराम लोकसभा में लड़ाई त्रिकोणात्मक नजर आ रही है। 2009 लोकसभा चुनाव, कांग्रेस मीरा कुमार 1,92,213, भाजपा मुनीलाल 1,49,259, राजद ललन पासवान 1,09,498, बसपा गांधी आजाद 96,613। 2014 लोकसभा चुनाव, भाजपा छेदी पासवान 3,66,087, कांग्रेस मीरा कुमार 3,02,760, जदयू केपी रमैया 93,310, बसपा बालेश्वर भारती 31,528।